मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 के अंदर था, उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ पहले आपको। हमारे चैप्टर का नंबर नाम था फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर, फैब्रिक, थ्रेड, यार्न, इनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, कि क्लॉथ्स का किस तरीके का हिस्ट्री थी, कहाँ से किस तरीके से क्लॉथ्स आए थे। मैंने आपको बताया था जो थाउजेंड्स ईयर एगो जो पीपल्स थे वो प्लांट्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा अपनी बॉडी को ढक लेते थे। क्लॉथ्स वगैरह को यूज़ के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, थ्रेड्स के बारे में वो जानते नहीं थे। धीरे धीरे क्लॉथ्स का यूज़ आया, उनको मालूम हुआ, उसके बाद थ्रेड्स और यार्न, वूल्स, अलग अलग वेराइटीज़ के रूप में हम क्लॉथ्स को यूज़ करने लगे। उसके बाद सारी चीज़ों को एक जगह रखना, कलेक्ट करने के लिए बैग्स को, बास्केट्स को, हम लोग जैसे फर्श वगैरह पर बैठते हैं या कहीं बैठते हैं तो वहाँ के लिए मैट वगैरह, ये सारी चीज़ें डे बाई डे, ईयर बाई ईयर सबको नॉलेज की फॉर्म में आई और सब यूज़ करने लगे। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था इसमें फाइबर्स था। फाइबर्स के बारे में बताया था, जो अलग अलग फैब्रिक्स फॉर्म होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं फाइबर, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से हमको मिलते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड फॉर्म्स में होते हैं और केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स का जो एग्ज़ाम्पल था उसके अंदर जैसे कि हमें सीप से वूल मिलती है, ये हमारा नेचुरल फाइबर्स का फॉर्म है। और इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर का फॉर्म है हमारा नायलॉन एंड रेयन की तरीके से हम सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट मैन मेड फाइबर इज नोन एज रेयन। जो फर्स्ट मैन मेड फाइबर था हमारा वो क्या था, रेयन था, जो कि 19th century में प्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद हमने बात करी थी यार्न्स की। यार्न्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारा फाइबर्स होता है वो फैब्रिक फॉर्म में उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कलर करके, जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी फाइबर्स फॉर्म होती है उससे यार्न, और उससे यार्न से फिर हम फैब्रिक फॉर्म को क्रिएट करते हैं। अब जो प्लांट फैब्रिक्स होते हैं उसके अंदर फ्लैक्स, कॉटन और जूट, ये किसके अंदर आते हैं, प्लांट फैब्रिक्स के अंदर आते हैं। इसके बाद बात आती है एनिमल फैब्रिक्स की। एनिमल फैब्रिक्स के अंदर जो हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से एनिमल से मिलते हैं, जैसे शीप, याक, वैक्यूना, कश्मीरी गोट, सिल्क वॉर्म, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के रूप में हमें अलग अलग सोर्सेज के रूप में हमें मिलते हैं, जैसे वूल, कश्मीरी फोर और सिल्क, ये सब हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स के द्वारा। अब बात आती है कॉटन की, जो हम मेन पॉइंट्स पढ़ रहे थे। कॉटन जो है वो 18 काफ़ी अराउंड ईयर्स पहले से इसको यूज़ किया जाता था। कॉटन वर्ल्ड को, और कॉटन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस हमें यूरोपियंस ने किया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एनुअली हम इसके बारे में जानने लगे और इसको यूज़ करने लगे। इसके बाद देखो, इसके अंदर जो कॉटन प्लांट इज़ ग्रो इन फील्ड एनुअली श्रब, एनुअल श्रब्स के रूप में होता था, जबकि वार्म वेदर होते थे वहाँ पर हम इसको यूज़ करते थे, जैसे कि रिक्वायरमेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली 21 डिग्री से 27 डिग्री तक रेनफॉल प्रोसेस होता था, 58 to 80 centimeter था रिक्वायरमेंट, उसके बेस पर ही ये ग्रो होता था कॉटन प्लांट। अगर कॉटन प्लांट के ऊपर जो फूल्स आते थे वो अगर प्रॉपर तरीके से ग्लो नहीं होते तो हमें कॉटन की प्रोड्यूसिंग नहीं मिलती थी। ये एक लेमन्स की फॉर्म की शेप के अकॉर्डिंग होता था, उसी से हम इसको यूज़ करते थे। इसके बाद इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता था, गाइनिंग ऑफ कॉटन, जैसे मैंने वो अटाई बताया था आपको, जो गाइनिंग का मतलब जो हम इसके इसमें क्या करते थे, कॉटन का जो फाइबर फॉर्म होता था, सीड्स फॉर्म्स के फॉर्म्स होते थे उनको अलग अलग कर देते थे और उसके द्वारा उनको यूज़ करते थे। आप पेज नंबर 39 पर देख सकते हैं, कॉटन की इमेज है, और जो पहले कॉटन को गिन किया जाता था, यानी गिनिंग प्रोसेस किया जाता था, और आज के टाइम में यानी कि मॉडर्न टाइम में जो हम कॉटन को गिन कर रहे हैं उसकी मशीनरी बताई गई है। यानी कि पास्ट ईयर्स में जब पहले से कोई नोन नहीं था, नोन के बाद फिर स्मॉल वेस पर मशीन आई, अब फिर लार्ज वेस पर आई। इसमें प्रोसेस मैन मेड वेस पर भी होता था जिसके अंदर प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती थी, बट मशीनरी वेस पर, जैसे मैंने लूम का प्रोसेस बताया था, पावर लूम, पहले हैंड लूम था और फिर पावर लूम, तो हैंड लूम के अंदर क्या था, हैंड लूम प्रोसेस से मैन वर्क होता था जिससे क्या होती थी, वर्किंग स्लो होती थी, और पावर लूम के अंदर क्या होता है, मशीन वर्क होता है जिससे कि वर्किंग फास्ट होती है और हमारा जो वर्क है वो भी जल्दी ज़्यादा कंप्लीट होता है। इसके बाद वीविंग के बारे में पढ़ा था, जो फैब्रिक फॉर्म होती है उसको अरेंज करते हैं टू अलग अलग यार्न्स की फॉर्म में। इसके उसके बाद हमारा जूट था,
जूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जूट प्लांट जो होता है 2.5 से 3.5 मीटर तक की हाइट के, इसके वेदर फॉर्म के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के पास जो ये मेनली ग्रो होता है वो होता है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के अंदर। जूट क्या येलो फ्लावर्स की फॉर्म में होता है जो कि 3-4 मंथ्स के अंदर प्रॉपर तरीके से हमें दिखाई देता है। आप पेज नंबर 41 पे इसका इमेज भी देख सकते हैं इसके प्लांट का। इसके बाद बात आती है वूल की। वूल हमें शीप से, एंगोरा गॉट से, याक से और कैमल से मिलता है, ठीक है। अब जो ये वूल हमें जो मिलता है इसको जो जो प्रोसेस होता है शिपिंग का, इसको बोला जाता है शियरिंग। इसके बाद बात आती है नाइटिंग की। नाइटिंग आप लोग अपने घर पे भी देखते होंगे, बुनाई, यानी कि जैसे आप लोग की मदर्स, ग्रैंड मदर्स स्वेटर वगैरह को बुनते हैं तो वो प्रोसेस होता है नाइटिंग। ये हैंड मेड भी होता है, यानी कि हैंडलूम है, और एक मशीनरी बेस्ड यानी कि पावर लूम प्रोसेस होता है। हम दोनों तरह के स्वेटर्स आजकल यूज़ करते हैं, हैंडलूम और पावर लूम्स, तो यही वही नाइटिंग प्रोसेस है जो मशीनरी बेस्ड होता है और ह्यूमंस बेस्ड होता है। इसके बाद मैंने आपको सिल्क के बारे में बताया था। ये सबसे कॉस्टली होता है, ये हम साड़ी वगैरह, सलवार सूट वगैरह में इसको यूज़ करते हैं सिल्क वर्म को, और इसको सेरीकल्चर भी कहते हैं। अब हमारे नेचुरल फाइबर के बाद हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात की थी, जो कि नायलॉन, रेयन, ये पॉलिस्टर फॉर्म्स थे, आर्केलिक और लॉन्स की फॉर्म के आपके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि केमिकल्स फॉर्म्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो यूज़फुल फाइबर्स के बारे में बताया था कि हेम्प प्लांट, फ्लैक्स और कॉयर, ठीक है। अब आज हम इसके 2 पॉइंट्स करेंगे एक्सरसाइज के। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है इसका टिक द करेक्ट, यानी कि MCQ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए हमारे लिए, एक्रिलिक, वूल, जूट और लाइन। तो इसका क्या आ जाएगा, वूल है हमारा, जूट भी है, लाइन भी है, एक्रिलिक फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्रिलिक ए। सेकेंड में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, तो वो है सिल्क। रेटिंग इज डन इन द केस ऑफ फाइबर्स ऑफ जूट एंड सिल्क वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। सिल्क सबसे पहले इन्वेंट कहाँ हुई थी, चाइना फॉर्म में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फैब्रिक, फ्लैक्स। एंड नाइटिंग इज डन इन केस ऑफ द फाइबर्स इज वूल, यानी कि जो नाइटिंग का प्रोसेस है, बुनाई का प्रोसेस होता है, वो किस में होता है, वूल्स के अंदर। जो भी हमने मैंने आपको बताया था कि पावर लूम और हैंडलूम के प्रोसेस से हम दोनों प्रोसेस से इसको कर सकते हैं, और इसको तो हम आज प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं। जब आपकी मदर, ग्रैंड मदर स्वेटर बनाती हैं हाथ घर पर बुनकर, और एक मार्केट्स में आपको मिलता है, जो मार्केट्स में मिलता है वो होता है पावर लूम, और जो घर पर स्वेटर होता है वो हैंडलूम प्रोसेस होता है। अब इसके बाद है ट्रू फॉल्स। सबसे पहला ट्रू फॉल्स है हमारा, फाइबर्स आर थिन एंड स्मॉल, कैन नॉट बी मेड इन टू अ फैब्रिक डायरेक्टली, ये ट्रू है, यानी कि डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते। कॉटन प्लांट इज ग्रो इन द फील्ड एज एन एनुअल श्रब, ये एनुअल श्रब फॉर्म में होता है कॉटन प्लांट, ये भी ट्रू है। स्पाइनिंग इज द प्रोसेस फॉर विद सेपरेटिंग द कॉटन, सेपरेटिंग नहीं होता है स्पाइनिंग प्रोसेस में, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। वीविंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज कैरिड आउट ऑन मशीन्स कॉल्ड लूम्स, ट्रू। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप यूजिंग क्लिपर्स, नाइटिंग, यानी नाइटिंग और बुनाई का प्रोसेस शीप को, वूल्स को लेने के लिए करते हैं, तो ये गलत है, इसलिए फॉल्स आ जाएगा। और सिक्स ट्रू फॉल्स है आपका, सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम, किससे बना होता है सिंथेटिक फाइबर, केमिकल से, क्योंकि नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, तो ये ट्रू है। तो किस इस तरीके से हमारे आज आपके